सिंहपुर में गोटेगांव के पास परसवाड़ा में कथावाचक जयकिशोरी जी के श्रीमद द्वारा श्रीमद भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में कथा के वाचन का आज अंतिम दिन रहा, जिसमें हजारों की संख्या में कथा सुनने श्रद्धालु पहुंचे। कार्यक्रम के अंतिम दिन जयकिशोरी जी ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सभी को अपने धर्मों के बारे में जितना ज्यादा हो उतना अधिक ज्ञान रखना चाहिए, क्योंकि हमें हमारे धर्म के विषय में ही जब ज्ञान नहीं होगा तो हम आध्यात्म को कैसे समझ पाएंगे। वहीं इस कार्यक्रम के अंतिम दिन में कांग्रेस के विधायक संजय शर्मा और भाजपा के विधायक ज्वालम सिंह पटेल भी शामिल हुए, जिन्होंने जयकिशोरी जी की कथा को सुना और कहा कि जयकिशोरी जी को सिर्फ टीवी में सुनने को मिलता था, लेकिन सत्येंद्र पटेल के द्वारा इस कार्यक्रम में जयकिशोरी जी को प्रत्यक्ष रूप से देखा, उनकी कथा को सुना, जिससे पूरा जिला लाभान्वित हुआ। सोमवार को आयोजन स्थल पर भंडारे का कार्यक्रम होगा। सनातन धर्म में गुरु की बहुत महिमा रही है कि हम गुरु बनाते हैं। पहले जरूरत नहीं थी गुरु को परखने की, पर अब है, जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है। मैंने कल ही ये बात समझाई कि मेरे हिसाब से गुरु मतलब जो आपको भगवान से जोड़ ले, जब गुरु आपको अपने आप से जोड़ने लगे और भगवान से थोड़ा अलग जोड़ने लगे, तो मुझे लगता है तब आपको ज़रूरत है कि आप थोड़ा संभल जाएं, अंधविश्वास करके ना जाएं। क्योंकि अधिकतर समय जब आप किसी सही गुरु के साथ नहीं होते तो आप भगवान से ज़्यादा गुरु का नाम जप करने लगते हैं, गुरु की फ़ोटो हर जगह लगाने लगते हैं, भगवान की पूजा कम हो जाती है और अंधविश्वासों की चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। तो मुझे लगता है तब ज़रूरत है व्यक्ति को परखने की। यह किशोरी जी का पहला आगमन नरसिंहपुर जिले में है और वास्तव में लोग उनको सुनना चाहते हैं। टीवी के माध्यम से लोगों ने घर पर सुना है, प्रत्यक्ष रूप से पहली बार उनका नरसिंहपुर जिले में आगमन हुआ है। हम सत्येंद्र पटेल उनके पूरे परिवार को धन्यवाद देते हैं और जयकिशोरी जी का भी नरसिंहपुर की धरती पर स्वागत करते हैं कि उन्होंने आगे सभा दिया और जिले के लोगों ने उनके